हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, एक्टर। चैप्टर नंबर आपका आईसी है, एक्टर। इसमें देखिए बच्चों, हम लोग एक्टर पिछले क्लास में सीख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग 4 डिजिट का एक्टर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है 2 या 2 से मोर जो एडेंट होते हैं उसको ऐड करना सीखेंगे, ठीक है। स्टेप वाइज एडर देखिए, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल आपका इस तरीके से है। फाइंड द सम ऑफ 3,140, ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। इसको सबसे पहले बच्चों हम लोग कालम में अरेंज करते हैं। कालम एडिशन के द्वारा इसको ऐड किया जाएगा और सम साइन किया जाएगा। इस तरीके से देखिए, 4,380 है। इसके बाद 3,000 का 43। ये दोनों क्रेडिट है, 4 डिजिट का नंबर है यहाँ। इसको हम स्टेप बाई स्टेप जो है ऐड करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप जो है वन के कालम को आप ऐड करेंगे, सेकेंड स्टेप में एक के कालम को, उसके बाद थर्ड स्टेप में आपका 100 का कालम होगा और लास्ट में आपका 1,000 का कालम होगा। तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं तो 8+3 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर पहला स्टेप देखने के लिए नंबर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट में 8+3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 11। 11 में 1 इसको हम यहाँ पर राइट करते हैं और 8 वाले को डिजिट होता है कि कैरी के रूप में नेक्स्ट कालम में आपका ये रहता है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 को हम ऐड करेंगे 13 वाले कालम को। स्टेप नंबर 2 इसमें हमको क्या ऐड करना है, 8+4 प्लस 1 कैरी। तो यहाँ पर 8+4 और प्लस 1 आपका कैरी है। ये तीनों को आप लोग क्या करेंगे, 8+4 हम ऐड करें 21 प्लस कर दिया आपका हो जाएगा 30 में जो 1 का प्लेस पर है कि हम यहाँ पर ऐड करेंगे और 1 तो बचा हुआ है 19 साल में आपका कैरी रूप में हम आएगा। इसके बाद बेटा थर्ड स्टेप में आएंगे, स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 यहाँ पर हमको ऐड करना है 3+7 साथ में यहाँ पर कैंडी को वर्ड लगा है उसको भी ऐड करना है। तो लिखेंगे 3+7+9 आपका आ गया। तीनों को एक साथ ऐड करेंगे तो 3+7 हो जाता है आपका 10। 10 में 1 कैसे ऐड करते हैं बच्चों, आ जाएगा आपका 11। 11 में 1 रख देते हैं, इसको हम यहाँ पर राइट करेंगे। इसके बाद जो 10 के प्लेस पर 1 है वो कैरी के रूप में नेक्स्ट साल में चला जाएगा, ये कैरी हो जाएगा। और लास्ट स्टेप आएंगे, लास्ट स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 4
मेरे साथ फोर प्लस थ्री अथवा सेवन सेवन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा ए, क्या आएगा ए। यहाँ पर देखिए आपने पैरी लगा दी, केवल तीन लास्ट सिस्टम है, वैसे भी यहाँ मेरे मिल रहा है केवल आप आगे ये आपका आंसर होगा। आंसर आप देखते हैं ये आपका आंसर हो जाएगा चौथम। इसको लिखने का तरीका आप देखते हैं एकदम बिल्कुल सारा आपका एकदम लाइन लिखने का आनी चाहिए, ठीक है। कहीं भी आप यहाँ पर एग्जाम में नहीं लिखेंगे इसका ध्यान रखिए, लाइन आपका एकदम दिखा देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो है स्टेप बाई स्टेप कालम वन से स्टार्ट करेंगे और आगे आप पढ़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, हर कालम को ऐड करेंगे इसी तरीके से कैरी करता है तो आप अपनी चेंजिंग करते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके का क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये कालम एडिशन है, हम लोग कालम एडिशन के द्वारा जो है टू से मोर एलिमेंट वाले नंबर को भी ऐड करते हैं। आइए बच्चों टू से मोर एडिट वाले नंबर को हम लोग देखते हैं, कोई रेस करे आप सबको यहाँ बच्चों देखेंगे एग्जाम्पल नंबर टू। टू में आपको कॉलम एडिशन यहाँ पर आपको देखिए कॉलम एडिशन सी ओ एल यू एम एन ए डबल डी एन कॉलम एडिशन। कॉलम एडिशन में एग्जाम्पल क्वेश्चन में आप देखो देखिए यहाँ पर टू से मोर एडेंट जब होते हैं किस तरीके से हम कॉलम एडिशन के द्वारा उसको ऐड करते हैं देखिए लिखा है आपको यहाँ पर मान लेते हैं तो फाइंड द सम फाइंड द सम ऑफ 340 ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एडेंट का जो नंबर है नंबर आप देख रहे हैं वन टू एंड थ्री, थ्री नंबर को एक साथ हमको ऐड करना है। तो यहाँ पर हम एडेंट नंबर जो करते हैं जिसको हम प्रायर जो है कालम मेथड का यूज करते हैं, कालम में थ्री अरेंज करते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने टू एडेंट वाला देखा सेम उसी तरीके से इसको भी हम कालम में थ्री अरेंज करेंगे। इस तरीके से 345 उसके बाद 268 फिर उसके बाद हमको थर्ड अटेम्प्ट मात्रा 349 वो इस तरीके से लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर प्लस का सिंबल आप लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर काला एडिशन में आप स्टेप बाई स्टेप एडिशन करते हैं ऐड करते हैं उसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है वर्ष की तरह कालम से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट जो स्टेप आता है वर्ष का कालम होता है, सेकेंड स्टेप में आप जो है डेट के कालम को, थर्ड स्टेप में हंड्रेड के कालम को इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आइए उसको हम लोग पहला स्टेप देखते हैं स्टेप नंबर वन स्टेप फर्स्ट में आप देखिए हम क्या क्या ऐड करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए आप फाइव प्लस एट प्लस नाइन तीनों को एक साथ ऐड करेंगे यहाँ तीन फाइव प्लस एट प्लस नाइन इसको ऐड करने के लिए उससे पहले आप ये दो नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब फाइव प्लस एट को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा थर्टीन, थर्टीन में नाइन ऐड कर देंगे आप तो आपका आ जाएगा ट्वेंटी टू, क्या आएगा ट्वेंटी टू
ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पेज नंबर आता 22 पर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर ए में आपको यहाँ पर दिया गया है ऐड करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ए में आपका टोटल एक क्वेश्चन है, इसमें आइए बच्चों हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 8,134। इसमें आपको ऐड करना है 1,723। यहाँ पर एक कॉलम है जिसमें भी ऐड कर दिया गया है, केवल आपको ऐड करना है स्टेप बाय स्टेप मेथड का यूज करते हुए। ठीक है, कॉलम में यहाँ पर अरेंज करके आपको क्वेश्चन दिया गया है।
Number one plus day one plus one day.
एडेड, थ्री एडेड या फिर थ्री से मोर एडेड वाले क्वेश्चन को जो है कॉलम एडिशन के द्वारा इसको स्टेप बाय स्टेप मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। ये एसएससीओर सेल 3.1 में जो टेस्ट क्वेश्चन आ गया है इसमें का, ठीक है, और इस साइड में इसको आप होमवर्क रूप में कंप्लीट करेंगे बच्चों, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है, बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क रूप में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।